गाइस चांद दिख गया गाइस गाइस तभी है टी टाइम गाइस। देखो अभी लगभग काम लगभग इस साइड का हो चुका है। मैं चाय आ गया हमारे लिए चाय फहीम चाय लिए चाय लो मोबिन भाई। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो चुकी है तरावी की भी और ईशा की भी। गाइस तो बिरयानी मैंने खुद के लिए रखा था वो बिरयानी फहीम ने खत्म कर दिया है। माशाल्लाह माशाअल्लाह वल्लाह हबीबी फहीम का बाप 75 और एक चीज बता दूं कि कुछ दिन से हमारे घर में काम चल रहा था उसका मैंने पूरा शॉट लिया है तो आज हो सकता है कि पूरा शॉट मैं वही डालूं बिकॉज आज भी घर का बहुत ज्यादा काम बाकी है तो मैं भी उसमें आज काम करने वाला बिकॉज मैं इतने दिन से कर नहीं रहा था तो वही हेल्प कर रहा था बट आज मेरे को करना पड़ेगा तो शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो को पूरा देखना आप लोग बिना स्किप किए हुए बिकॉज चांद रात है तो आज बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कल की तैयारी करनी होगी भाई बहुत मजा आएगा बिकॉज आज शेरी करना है हम लोगों को आज पहली शेरी हम लोगों की। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट सबसे खुशी की बात है आज पहली तरावी हम लोगों की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शुक्र है कि हम लोगों को वापस से ये मौका मिला है। बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस बार नहीं होंगे जो पिछली बार थे तो अल्लाह शुक्र है आप लोग शुक्र अदा करें और चलो वीडियो करते स्टार्ट। गाइस दुकान आ चुके हैं पहला रिचार्ज भी हो गया पर तो देखो दुकान मेरा सही से ओपन नहीं हुआ मोइन मांगे तभी इसको हटाएंगे। गाइस तो कुछ पैकिंग हो चुका है देखो ये रहा और कुछ बाकी है अच्छा खासा बाकी है अभी और मेरा प्रोडक्ट हो गया खत्म तो चलते हैं प्रोडक्ट लाने। गाइस तो दिस इज कॉल्ड क्राउड क्राउड कितना भीड़ है चलते हैं अपना प्रोडक्ट लेने। ये रहा गाइस इतना ज्यादा वहाँ क्राउड था ना जिसके कारण मेरे को मौका नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाऊं बट मैंने अपना प्रोडक्ट ले लिया काफी है। गाइस दुकान आ चुके हैं गाइस देखो अभी भी काम चल रहा है सो आज की पैकिंग यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे चल रहा है काम ये देखो ऊपर काम चल रहा है और नाथ वहाँ चल रहा है। गाइस देखो हम लोग का काम चल रहा है दीवार का असल काम तो वैसे फहीम कर रहा है। गाइस 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 तो घर का पूरा काम अभी हम लोग कर रहे हैं बाजी को मैंने थोड़ा रेस्ट किया बिकॉज 4-5 दिन से बाजी बहुत मेहनत कर रही थी वैसे पूरा काम बाजी की पर निकाल उगल के हम लोग काम ही जो डैमेज वॉल है उसको ठीक करने का इस पे मार मत खाना बिकॉज ये मैंने मजबूरी में पहना है। रीजन ये है ना कि कहाँ गया मेरा और ये कहाँ रखा मैं लगाने वाला सही है ना ये जब मैं दीवार में मार रहा हूँ ना तो आंखें पड़ रहा है और आईज की सेफ्टी बहुत जरूरी होती है पता नहीं कैसे लग रहे हैं। जैकी जैकी हमको देखने नहीं खिड़की खुला हुआ इसीलिए आया है वो हम लोग ज्यादा समझता है तो काम में अब पूरा फोकस करते हैं। ये पर डैमेज वॉल था अब क्या है ना कि मैं टेक्नोलॉजी का वीडियो बनाने वाला हूँ तो यहाँ पूरा कम्प्लीटली वॉल अच्छा बन जाएगा ना तो मजा आएगा। लगभग इस साइड का हो चुका है मैं चाय आ गया हमारे लिए फहीम चाय लिए ये फहीम काम कर रहा है यहाँ रख दिया ना मैं चाय इस पे ठंडा होने से पहले पी लेंगे। गाइस तभी है टी टाइम काम से थोड़ा सुकून मिला ना फहीम बहुत काम बाकी है अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैसे चिपका रहा हम ऐसे नहीं सोचे हुए पूरा फाड़ के उसमें पहले चिपका देते वहां तक फिर नीचे तक ले जाते ऐसे कुछ समझा ओहो आसान भी पड़ता ऐसे ना हाँ पहले ऊपर चिपका देते फिर नीचे ले जाते सही बोले आइडिया अच्छा है। गाइस देखो अभी काम चल रहा सीमेंट मिल का हाथ देखो मेरा हाल यहाँ मैं लगा दिया है बाकी यहाँ पूरा काम फहीम किया है मैंने ये ऊपर में बस अभी लगाया है और वो साइड का थोड़ा बहुत काम किया है बाकी अम्मी देख कैसा बनाया आप बोल भी नहीं रहा कैसा घी बाद में बनाया जो हम सुबह को डाल देते चीनी ना वो है ना बिस्मिल्लाह गाय का घी आने का रास्ता सही बात खाओ। गाइस तो आप सबको रमजान मुबारक हो बिकॉज चांद हो चुकी है मैं अभी चांद का वीडियो बनाया नहीं हूँ बाहर जाऊंगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा और चांद की दुआ मेरे को अभी याद नहीं आ रही तो आप लोग दुआ पढ़ लेना भाई वैसे दुआ क्या है आपको याद नहीं है ना साल में पढ़ा था ना जो याद नहीं आ रहा है अगर आप लोग को याद हो तो कमेंट करना लिख करके और आप लोग वो दुआ पढ़ लो बाकी आप लोग को पहले रमजान मुबारक हो बिकॉज कल से रमजान है आज पहली तरावी है। गाइस आज चांद रात है हालत देखो घर का सब बिखरा बिखरा सा है इसके ऊपर तो लग चुका है बाकी ये अभी लास्ट काम चल रहा है
बिकॉज इसमें ना थोड़ा अलग तरह का वॉलपेपर लगाना, वॉलपेपर नहीं घास वाला लगाना इसमें, बिकॉज मेरे को थोड़ा टेक वीडियो ही बनाना है। तो नीचे का भी लग चुका है पूरा, देख रहे हो पानी का कितना डैमेज था। क्या चाहिए ये कचरा वाला? ये ना फाइन में भी काम कर रहा है, मेरा लास्ट काम ये वाला। गाइस तो घर में लगने जा रहा है कारपेट, कैसा लगा अब कारपेट? फैन ऑफ करना धूल उड़ेगा, व्हाइट कलर उड़ेगा, व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर है कारपेट है। हेल्प करे या कर लेगा? कर लेगा। दीवार कैसे हो गया? बन गया। लग रहा ना। गाइस तो यहाँ चल रहा है रमजान की तैयारी, कारपेट पूरा कम्प्लीटली लग रहा है अभी, वॉल का भी कुछ काम बाकी रह गया था और ये तो हम लोग के पास थोड़ा सा बच गया था, बस थोड़ा वॉल का काम होगा उसके बाद ही उस पर वॉल पेपर लगेगा। कोई चीज लगाने के लिए साफ भी करेगा नीचे का? हाँ तो यही कर देगा ना, उठा उठा हुआ। गाइस तो फाइव रेडी हो चुका है, ये रहा कारपेट, अगर फैन ऑन कर देना बहुत आवाज करता पड़ी है फैन। ये क्या कर रहा है, कोने में बैठ रहा है, उठ नहीं रहा है, हम लोग सारा एंजॉय तो देख ही कर रहा है। गाइस तो यहाँ कुछ कट गया है भाई, यहाँ से ये ठीक है। मेरी बहन और भाई बहुत मेहनत कर रहा है कारपेट के लिए, मैंने भी थोड़ा बहुत हेल्प किया, थोड़ा बहुत हेल्प इसलिए बोलूंगा बिकॉज क्या है ना कि मैंने सच में थोड़ा ही हेल्प किया, इतना सा, और जो फहीम और मेरी बहन कर रही है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। वैसे मैंने जितना भी भाई सामान है मैंने उठाया। क्या हुआ? मजा आ रहा। अरे अरे वाह, अरे गजब, ओ जगे, अरे जगे जगे जगे। अच्छा जगह पे क्या हेल्प किया था मेरे से? हम वो बुलाएंगे करना इसको, वो एसी बटा करना, फहीम तो रानी देगा, फहीम से नहीं होगा, भस सके तो अल्लाह नहीं बोल दिया कुछ नहीं होगा, इसे नहीं होगा, चरचरा रहा। गाइस देखो मैं फहीम का हेल्प कर रहा हूँ बिकॉज फहीम मेरे हेल्प के बिना कोई काम कर ही नहीं पाता है, वो झाड़ू ही फहीम नहीं मार रहा, इनडायरेक्टली मैं मार रहा हूँ। मैं उसको फहीम बता रहा हूँ किस तरह, वहाँ बच गया फहीम, वहाँ मार दे रहे, हाँ देखा, मैं उसको बता रहा हूँ वो काम कर रहा है। आज क्या है ना मेरी टीम में ये खेल रहा है तो मैंने इसको फ्री में खिलवाने के लिए थोड़ा हेल्प किया, इसीलिए वो मेरी टीम में खेल रहा है। फहीम नहीं और अच्छा से करेगा फहीम, तुम फहीम साफ कर देगा माशाल्लाह, क्यों परेशान हो रहे हैं? देख रहे हैं कितना है, बाप रे बाप, एक साल बाद साफ भी तो कर रहा है, एक साल नहीं कुछ हाल से तो ठंडा में साफ किया था, तब भी इतना गंदगी, साल में दो बार होता है, साल में दो तीसरा बार हो रहा है, इस साल का पहला बार हो रहा है। गाइस मैं गया था फहीम लोग का हेल्प करने के लिए पर मेरे को बहुत गंदा और डस्ट एलर्जी है, लगता तबीयत खराब होने लगी है, इसलिए बहुत ज्यादा छींक भी हो रहा है और आज रात को मेरा क्रिकेट गेम भी है, पता नहीं क्या होगा। गाइस तो मेरी हालत थोड़ी खराब है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा खराब है, ऑलमोस्ट काम हो चुका है, 8 बज चुका है, 9 बजे से जमात है ईशा की एंड उसके बाद तरावी की नमाज है, इसलिए मैं जा रहा हूँ फिलहाल बाहर। अब आ रहे हैं मोबिन भाई, एक घंटा पहले मोबिन भाई को काम दिए थे, अभी आ रहे हैं, नहीं मिला कहीं, नहीं मिलता ही टैक्स, वो बोल रहा है सिर्फ गाइस तो आ चुके हैं दुकान, ये रहा तैयब और अभी हम लोग जा रहे हैं चांद देखने, चांद तो दिखेगा नहीं शायद, क्योंकि जब जब चांद रहा ना तब तब बादल लगा आसमान में, चांद 6 बजे तक हो गया हमको मालूम है, चांद में मारा को मैंने बोल भी दिया वीडियो में, हाँ मालूम है, रखा हुआ खाएंगे उसको, काटपुल के पास, काटपुल के पास नहीं जा रहे हम यहाँ चमेलिया साइड में, वो पूरा खुला हुआ रहता है प्रॉपरली। तो भाई रेडियो कह चुके हैं रेडी, क्या यार मेरा हालत वही है जो मैं भी काम कर रहा था घर का, कारपेट मैं साफ कर रहा हूँ, तो काम हो चुका है, काम ऐसा हुआ नहीं है, 80% काम हो चुका है, 20% अभी काम बाकी है, कल प्रॉपरली इंशाल्लाह काम हो जाएगा। चलते हैं यहाँ से चांद देखने के लिए, उसके बाद हम लोग रेडी होना नमाज के लिए बिकॉज टाइम अभी लगभग हो चुका है,
8:13 9 बजे ईशा की जमात है और 9:20 में है जाके नहा लेगा। 9:20 में तरावी की नमाज। गाइस देखो शायद ये हमारी सोच हो सकती है बिकॉज सोच ही बदल जाता है, बट आज का मौसम बहुत खूबसूरत है, चांद उगती ही शायद मेरी सोच वैसी हो, बट सीरियसली मेरे बहुत खूबसूरत लग रहा है, चांद उगते ही ऐसा लग रहा है कि रमजान तो आ चुका है, पहला रोजा कल से स्टार्ट हो जाएगा, तरावी भी होगी, बट अलग माहौल होगी, अलग मौसम हो गया है, ऐसा लग रहा सही में रोड से जो है शैतान गायब हो गया। आसमान में तो चांद दिख नहीं रहा, कोई फायदा नहीं होता जाकर के ना, टाइम भी नहीं है। गाइस देखो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है चांद। गाइस चांद दिख गया गाइस। अब आसमान में नहीं दिखा तो कम से कम तेरे को देख ले भाई, तो आप लोग दुआ पढ़ ले चांद की। भाई सॉरी भाई, सूरह फातिहा पढ़ो। सूरह फातिहा नहीं, एक चांद की दुआ भी होती है। तो देखो चांद नहीं दिख रहा आसमान में बिकॉज पता नहीं, ये हर बार का है जब भी चांद रात होता है ना तो आसमान में बादल छाया था, एक खूबसूरत सा मौसम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ऐसे दुआ कर लो और सबको मुबारकबाद दो। आपको मैं वापस बोलता हूँ चांद मुबारक हो, एंड पहला रमजान कल से है तो आप लोगों को मुबारक हो। आज तरावी है तो आ जाएंगे तरावी की नमाज पढ़ने के लिए, चलते रेडी होने के लिए। चलो भाई चलो, टाइम कितना हो गया है नहीं दिख रहा हमको, 8:24। सो गाइस तो मैं रेडी हो चुका हूँ तरावी की नमाज के लिए। गाइस देखो मैं इस तरीके से कैप तो पहनता नहीं हूँ, इस टाइप का मैं ब्लैक कलर का एकदम नॉर्मल कैप पहनता हूँ, बट मैं पूरी तरह से रेडी हो चुका, मैं जा रहा हूँ अभी नमाज पढ़ने के लिए तरावी की, चलते नमाज पढ़ने। गाइस ये मोबिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो चुकी है तरावी की भी और ईशा की भी। तो आज तो खाना शुक्र नमाज पढ़ गए, चलते कुछ खाने के लिए बिकॉज आज सेल भी कर रहा है। ठीक गाइस तो आज है पहला सहरी और ये रहा हमारा फालूदा, गरम गरम फालूदा। पहली बार वो खाता है क्या गरम गरम फालूदा, पर मेरे घर में देखो गरम गरम फालूदा ऐसा बर्फ भी डालते समय ठंडा हो जाएगा, ऐसे भी सर्दी है। और यहाँ देखो फहीम बिरयानी लेके घूम रहा है सेड़ी में भी। ये बुसेड़ी लीजिए, मेरा सेड़ी आ गया, मेरा सेड़ी वहीं खा ले सेड़ी। टाइम हो गया, टाइम हो गया तो खा लिया। वाह ये क्या रख दिया यार, बिरयानी है, चलिए ये भी खा लेंगे हम भी, ये फालूदा खाने के बाद बिरयानी खाएंगे। बेटा सिम्बा सेड़ी कर लिए, बताओ इधर, ये शर्मा रहा है क्योंकि ये कल रोजा रखेगा। तो गाइस सेड़ी 4:34 में खत्म होगा और अभी लगभग 3:45 हो रहा है लगभग, और मैं सेड़ी हो चुका है। हाँ बिरयानी बाकी है वो मैं खा लूंगा, इसे रेडी हो चुका है बिकॉज फजा का नमाज ही पढ़ने जाना है। गाइस देखो ये रहा सिम्बा जिसको सर्दी का दवा बहुत पसंद है, ये तो नशा करता है। अरे पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, कोशिश कर रहा है खाने का, दवा खाने की कोशिश कर रहा अल्लाह। गाइस तो हम लोग जा रहे हैं अभी नमाज पढ़ने। गाइस तो बिरयानी मैंने खुद के लिए रखा था, वो बिरयानी फहीम ने खत्म कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह वल्लाह हबीबी। गाइस तो आज पहला रमजान शुरू हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं अपना वेट देखने के लिए, वैसे ही कर चुके थोड़ा वेट ज्यादा ही होगा। हम भी वीडियो बनाएंगे। अरे एक एक करके कर रहा है कितना कितना है इसका 70 में से तो गाइस यहां पर 68 में सब अपना अपना वेट देख रहे हैं। मोइन का हुआ 68, फर्स्ट डे ऑफ रमजान। फहीम का बाप 75 हट गए, 80 था सेम है सेम छोटा मोइन बड़ा मोइन दोनों सेम। मेरा देखिए मेरा इसका 74 है शायद, है ना 74 है ऐसे ही रोज नमाज पढ़ने आए फजर के वक्त तो कितना खूबसूरत लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। गाइस तो नमाज हो चुकी है और आज पहली सेरी भी हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ अभी घर। वैसे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कबला घूम लूँ, उसका वीडियो एंड करूँ, अब घूम लेते हैं एंड इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग इस वीडियो को देख करके लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।
it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. That's so innocent. And you'll kick it up and